तो विरुलेंस प्लाज्मिड में क्या होगा, वो जो जीन उसका जो जीन प्रोडक्ट होगा वो जो जिस पे अटैक करता है उसमें विरुलेंस फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। तो वो उसका खुद का जो सेल सर्वाइवल में वो हेल्प नहीं करता है, ये जो प्लाज्मिड वो अटैक करके करने के लिए हेल्प करता है। और एक है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, मतलब जीन रेजिस्टेंस। तुम पढ़ोगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पढ़े सब लोग। यस सर, प्लाज्मा हाँ, रेजिस्टेंट। तो वो जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो सब चीज इस प्लाज्मा में रहता है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम बात करेंगे जी टाइप्स सर, ऑफ बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर, ठीक है। एक है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। किसको क्या पता है बोलो तो पहले इन तीनों के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सर क्या हुआ? एक जगह से मतलब दूसरी जगह ट्रांसफर होने, ट्रांसफॉर्मेशन से बैक्टीरियल नहीं का नहीं अपना जो जो वो डीएनए तो होता है वो सब में होगा, अपने सब में। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, सब में तुम्हारा जीन ट्रांसफर ही होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे कैसे होता है? प्रोसेस अलग। जब तुम्हारा एक नेकेड डीएनए होता है, ओके, जब नेकेड डीएनए होगा बाहर में होगा, वो नेकेड डीएनए तुम्हारे सेल के अंदर जब घुसे अंदर आएगा उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ कि नहीं? यस सर, यस। यस ट्रांसडक्शन क्या होगा? जब तुम्हारा एक बैक्टीरिया पे वायरस का अटैक होगा, ठीक है, मतलब डीएनए जी एक्सीडेंटली मूव फ्रॉम ए बैक्टेरियम टू अनदर बाय वायरस, ठीक है। कौन सा वायरस करता है उसका जेनेटिक मैटर ट्रांसफर करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज और टी फेज। एंड कंजुगेशन क्या हुआ? कि अंदर तुम्हारा सेक्स प्लस फॉर्मेशन होगा, थ्रू सेक्स प्लस बोलो सेक्स फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जीन ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे बोला कि अटैक ऑफ सही बता नेक, दीजिए। क्या हुआ, क्या हुआ, कौन बोला? कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे बोला कि जो ऑप्टेक ऑफ नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये ऑप्टेक कौन करेंगे? जो से जो बैक्टीरिया सब कॉम्पिटेंस बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। कॉम्पिटेंस मतलब उनका जो सेल वॉल में समथिंग कुछ चेंज आएगा ताकि वो लोग कॉम्पिटेंस होंगे। जब वो कॉम्पिटेंस होंगे तब जाके वो लोग डीएनए को उनका अंदर ले सकते हैं, ओके। तो यस कौन करेगा, कैसे करेंगे? जो बैक्टीरिया करते हैं उनको हम कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया बोलेंगे। ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, जिसको बोलते हैं नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसका हुआ था इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बाय ग्रिप्थ। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट जो किया हाँ था हाँ ये ग्रेफिक्स डीएनए जेनेटिक मटेरियल, फ्रेडरिक ग्रिप। ग्रिप द नावेरी एक्सपेरिमेंट, ने। यस सर, यस। तो ये जो इंड्यूस, यस हाँ ये जो इंड्यूस होता है कॉम्पिटेंस, कैसे इंड्यूस होगा? तुम्हारा इंड्यूस बाय हेप्टा डेका पेप्टाइड पर हार्मोन, ठीक है। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेबल बैक्टीरिया सो स्पेशल फिजियोलॉजिकल स्टेट टॉलरेंस कॉम्पिटेंस, बिकॉज ऑफ ये जो तुम्हारा हार्मोन है हेप्टा डेका पेप्टाइड हार्मोन, वो तुम्हारा कॉम्पिटेंस में हेल्प करेगा। तुम्हारा जो बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट होंगे वो लोग डीएनए को अंदर लेंगे, ठीक है। सो ये होता है तुम्हारा बहुत ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में शो करता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस? सेल वॉल का क्या सेल किस बार वॉल सेल वॉल होगा? का एक नेगेटिव है उसका, लाइपो पॉलीसेक्रेटरी ग्राम है पॉजिटिव में इसका सेल वॉल पेप्टाइड होगा ही नहीं होगा? का। नहीं, के ग्राम लिए पॉजिटिव में, ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल होगी सर। हाँ, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल होगा और ग्राम नेगेटिव में नहीं होगा नहीं होगा। तो क्या होता है ग्राम नेगेटिव में? पेप्टाइड, नॉर्मल सेल वॉल होती है, इसमें एक्स्ट्रा पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है ना। ठीक है, पेप्टाइड का लेयर ग्राम होगा। पॉजिटिव में थिकर लेयर होती है और हाँ, ग्राम ग्राम नेगेटिव में अब थिनर ग्राम पॉजिटिव में तुम्हारा एक सेल वॉल होता है जो कि तुम्हारा ग्राम स्टेन को होती एजर्ब करता है, इसलिए वो ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम नेगेटिव में पॉजिटिव पेप्टिडोग्लाइकन लेयर रहता है, वहां पे सेल वॉल नहीं रहता है, नहीं ठीक है। रहता ये है। वाला यस एक्सपेरिमेंट देख पढ़े हो, यूट्यूब एक्सपेरिमेंट। नो सर, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था कि ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बैरियर है, इधर इधर कुछ बैक्टीरिया है, इधर कुछ बैक्टीरिया है, और ये जो बैरियर है
ये सेमी परमेबल है, परमेबल टू डीएनए आरएनए। ओके तो बोलो क्या के इस पार्ट में पहले एक स्ट्रेन लगाए जिसके पास फिनाइल पॉजिटिव, ट्रिप्टोफैन पॉजिटिव, मिथेन नेगेटिव एंड हिस्टिडीन नेगेटिव था, ठीक है? यस सर। और इधर जो बैक्टीरिया है उसके पास फिनाइल नेगेटिव, ट्रिप्टोफैन नेगेटिव, मिथेन एंड हिस्टिडीन पॉजिटिव था। ओके तो बिफोर ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले वो लोग इसको प्लेट किया गया था, मतलब चेक करने के लिए लोग ग्रो हो रहा है कि नहीं, कहां पे प्लेट ऑन मिनिमल मीडियम, मतलब जहां पे तुम्हारा ये सब जो फिनाइल ट्रिप्टोफैन मिथियोनिन हिस्टिडीन ये अमीनो एसिड यहां पे नहीं होगा इस मीडियम पे, ठीक है? तो लेकिन वो बैक्टीरिया को ये सब चाहिए ग्रो होने के लिए, लेकिन यहां पे ये सब नेगेटिव है, मतलब वो जीन इसमें नहीं है, म्यूटेंट है, तो वो लोग इसमें ग्रो नहीं होंगे। ओके ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने से पहले जब एक्सपेरिमेंट किया गया और यहाँ पे प्रेशर दिया गया, यहाँ पे प्रेशर सक्सेशन दिया गया, तो क्या हुआ, समथिंग इधर से ट्रांसफर हुआ, इधर से मोस्टली तुम्हारा डीएनए ट्रांसफर होता है। यस जी। यहाँ पे बैक्टीरिया ट्रांसफर नहीं हो सकता है, बैक्टीरिया का अंदर का जो डीएनए है वो ट्रांसफर होगा, तो वो ट्रांसफर होने के बाद ये लोग सब नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, मतलब सब डीएनए पॉजिटिव, पिटोन पॉजिटिव, मिथेनिन हिस्टिडीन पॉजिटिव हुआ, ठीक है? जब पॉजिटिव हुआ तब लोग वो लोग अभी मिनिमम मीडियम पे ग्रो कर पाएंगे जहाँ पे अमीनो एसिड नहीं होगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो जीन है, तो वो जीन उसको प्रोड्यूस कर सकता है, वो क्लियर जी सर। तो क्या था यहाँ पे तुम्हारा डीएनए ट्रांसफर हुआ, ओनली डीएनए कैसे बंदर गए उनका ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, ठीक है? क्लियर? इसको डाउट है? तो इस ए एक्सपेरिमेंट सबको पता होगा, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। यस सर। क्या हुआ? ठीक है, इसको मैं स्किप करता हूँ। थोड़ा डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो किसको कहते हैं इसमें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है? यस सर। ठीक है। यस। सो उसका दो मेम्ब्रेन होगा, तो जो डीएनए होगा पहले आउटर मेम्ब्रेन से अंदर आएगा, ठीक है? फिर वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर घुसेगा, ठीक है? पर ग्राम पॉजिटिव है, व्हेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नीड टू ओवरकम द बैरियर ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, सबको पता है, व्हिच वाज मच थिकर एंड डेंसर एंड नीड्स टू बी वीकेंड बिफोर ट्रांसलोकेशन ऑफ डीएनए अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। मेन मतलब तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन पे वो कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है? सो इन दिस प्रोसेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पुल अक्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है? मतलब आउटर मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे आएगा, क्या डबल स्ट्रैंड क्लियर नहीं हो रहा है, कौन सा लाइन, लास्ट लाइन, लास्ट वाली लाइन, यस सर, सेकंड लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट ये बोल रहे हो? यस सर। एक कुछ नहीं, बस इंफॉर्मेशन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है ग्राम और एक इनर मेम्ब्रेन होता है, और ग्राम पॉजिटिव में एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है। तो जब वो डीएनए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब वो डीएनए को अंदर लेगा, उसके बॉडी के अंदर, उसका सेल्स के अंदर आएगा, ठीक है? तो वो क्या, वो दो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पहले ओनली इनर मेम्ब्रेन है, लेकिन वो पहले पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को क्रॉस करेगा, तो उसके लिए पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत थिक होता है, तो इसीलिए बिफोर क्रॉस के लिए उसको थोड़ा वीकेंड करना पड़ेगा, वो थिकनेस कम हो जाएगा, ठीक है? तो क्या होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पहले क्या होगा, तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आउटर मेम्ब्रेन से अंदर आएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है? फिर क्या होगा, यहाँ से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इनर मेम्ब्रेन के अंदर घुसेगा, और एक डीएनए तुम्हारा हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है? यस। तो एंड सेम मतलब ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन में घुसेगा, और जो इनर मेम्ब्रेन का जो प्रोसेस है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में बोथ में सेम है, ठीक है? यस।
ओनली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अंदर आएगा। तो ये जो देखो यहाँ पे होता है ये सब कम कॉम्प्लेक्स, ये तुम्हारा कम क्यू, ठीक है, ये तुम्हारा कम ए, तो कम ए, कम ए एंड कम बी सी कॉम्प्लेक्स, ये तुम्हारा बिफोर कॉम्पिटेंस इसका स्ट्रक्चर देखो वो क्लोज होके है, ठीक है। जब तुम्हारा बैक्टीरिया कॉम्पिटेंस होगा तो ये कम ई सी एंड कम एफ ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे एक तुम्हारा गैप आ रहा है, ठीक है, जब तुम्हारा कॉम्पिटेंस होंगे वो लोग, ये तुम्हारा राइट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में जो है, ये तुम्हारा बिफोर कॉम्पिटेंस, वो लोग अंदर डीएनए नहीं ले सकते, जब कॉम्पिटेंस में बोलो डीएनए को अंदर लेंगे, तब यहाँ पे तुम्हारा कम ईसी कॉम्प्लेक्स एंड कम एफ ए कॉम्प्लेक्स, ओके। मतलब पहले तुम्हारा डीएनए अंदर घुसा थ्रू कम क्यू कॉम्प्लेक्स, फिर क्या होगा, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे आएगा, तुम्हारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है तो वहां पे और एक है तुम्हारा कम ई ए, ठीक है, ये क्या करेगा तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अनवाइंड करके ओनली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो यहां से डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये ईए जो है सर, ये डबल से सिंगल चेंज कर देगा, मतलब उसका अनवाइंड करेगा, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसको अनवाइंड करेगा, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड है ना, तो इसको खोलेगा तो सिंगल आएगा, और एक सिंगल बोलो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो फिर सेल से अंदर घुसेगा, अंदर आएगा इनर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म पे, ठीक है, ठीक है। तो अंदर जब अंदर आने के बाद तो डीपीआरए, डीपीआरए ये एक तुम्हारा एसएसबी प्रोटीन है, एसएसबी प्रोटीन क्या होता है, एसएसबी प्रोटीन सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यहां पे बाइंड, क्योंकि उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है उसको, उसका नाम है यहां पे बैक्टीरिया पे डीपीआरए, ठीक है, तब वो अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कैसे अंदर आया, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर, यस सर। ट्रांसडक्शन क्या होता है, ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर वाया बैक्टीरियोफेज, ठीक है, पता है सब। द फेनोमेनन ऑफ ट्रांसडक्शन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिंडर एंड लिडरबर्ग इन 1952, ओके, ही डिस्कवर्ड दिस व्हाइल सर्चिंग फॉर सेक्सुअल कंजुगेशन इन साल्मोनेला स्पीशीज। सो ये जो सबको पता है कैसे होता है बैक्टीरियोफेज कैसे जीन ट्रांसफर करता है, उसका एक लाइटिस साइकिल होता है, एक लेसोजेनिक साइकिल, पहले तुम्हारा बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा, उसका सेल वॉल पे अंदर जाएगा, सेल वॉल पे अंदर वो होल फॉर्मेशन होगा, फिर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाएगा, यस। तो अंदर आने के बाद ये क्या होगा, तुम्हारा ये तुम्हारा है वायरस जीनोम, ये तुम्हारा बैक्टीरियल जीनोम, अब भी बोलो आइदर लाइटिक साइकिल जाएंगे और लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा, तुम्हारा जो वायरस वायरल जीनोम है वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ वो मर्ज हो जाएगा, फिर वो ऐसे ही तुम्हारा बैक्टीरियल जीनोम के साथ वो सेल डिवाइड डिवीजन में वो ईयर्स रहेगा, मतलब जब तक लाइटिक साइकिल नहीं आए वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ कंजुगेटेड होके ही रहेगा, ठीक है। जब कंजुगेट हुआ फिर जब लाइटिक साइकिल आएगा तो वो फिर से लैटिस साइकिल में एंटर करेगा, लैटिस साइकिल में क्या होगा, तुम्हारा बैक्टीरियल जो जीनोम है, सॉरी वायरस जीनोम है, वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ मिलके वो उसका जो बॉडी मटेरियल तुम्हारा हेयर टेल सब फॉर्मेशन होगा, तो तुम्हारा फिर से बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो जाएंगे और सेल लाइस होके भी सब बैक्टीरिया फिर रिलीज, सॉरी वायरस से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, ये तो सब पता, सबको पता है ये सब चीज, बोला बस, ठीक है। ये इस एक्सपेरिमेंट को डीएनए जेनेटिक मटेरियल में कुछ है, कोई पढ़े हो, है कि नहीं, डीएनए डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल वहां पे ये जो ट्रांसक्रिप्शन एक्सपेरिमेंट को भी किया गया है, यस सर, ठीक है, तो वहां पे पढ़ना था, ठीक है। तो नेक्स्ट है कंजुगेशन, in conjugation DNA is transferred from one bacterium to another bacterium, okay, after the donor cell
pulls its clothes to the recipient using a structure called pilus. सगा होता है pilus formation होता है. DNA is transferred between cells. In most cases, the DNA is in the form of plasmid. Okay. So donor cell typically act as a donor because they have a chunk of DNA called fertility factor. इसलिए F factor. उनके पास जो plasmid होगा, उनके पास वहाँ पे एक factor होता है, वो fertility factor होता है, जिसकी वजह से वो लोग sex plus formation कर सकते हैं. Okay. This chunk of DNA code for the protein that makes of the sex plus. It also contains a special site where the DNA transfer during conjugation begin. मतलब यहाँ पे एक start site होगा, जहाँ पे जो F factor होगा, तुम्हारा जो plasmid है, वहाँ पे जो F factor है, वो तुम्हारा उसके पास जो gene है, वो sex plus formation करने के लिए, और यहाँ पे start site है, तो यहाँ पे break होके इधर से बोलो, ये कट के वो तुम्हारा plus होके दूसरे bacterium पे transfer होगा. Okay? So Yes, sir. ये देखो तो जिसके पास तुम्हारा F plasmid होता है उसको बोलते हैं F plus cell, जिसके पास नहीं होता है वो है F minus cell. तो क्या क्या करेगा F plus cell उसका जो F plasmid को वो F minus cell में ट्रांसफर करेगा. ओके तो पहले क्या करेगा तुम्हारा F plus cell इसके पास F plasmid है, F minus cell इसके पास F plasmid नहीं है, तो अभी F plus cell क्या करेगा वो उसका जो pilus है उसको कनेक्ट करेगा F minus cell के साथ. अभी इनके पास एक ट्रांसफर चैनल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है. तो अभी क्या करेगा इसे जो एफ प्लाज्मिड है उसको पास जो स्टार्ट पॉइंट है वो कट होगा इस हाइट पे, और वो थ्री प्राइम होगा इधर, फाइव प्राइम होगा, सॉरी इधर थ्री प्राइम इधर फाइव प्राइम. ओके फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में वो ट्रांसफर होगा. ये ट्रांसफर कैसे होगा, ये ट्रांसफर होने के टाइम ही यहाँ पे रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. तो रोलिंग सर्कल पढ़ लेना सब. तो रोलिंग सर्कल में क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे एक सपोज डीएनए है तो इसमें कट होगा तो ये वाला तुम्हारा आगे बढ़ेगा इधर जाएगा, तो यहाँ पे जो यहाँ पे तुम्हारा लगेगा तुम्हारा उसका डीएनए पॉलीमरेज. ओके ठीक है. तो जब जैसे ही तुम्हारा ये जो आउटर जो डीएनए लेयर ये बाहर से निकलता रहेगा, वैसे ही ये जो तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज ये इसके साथ मूव करेगा और इसके ऊपर और एक तुम्हारा डीएनए फॉर्मेशन कर देगा, और ये जो बाहर निकला ये बाहर जाके एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो जाएगा, फिर से बाद में ये रेप्लिकेशन होकर डबल स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगा, ठीक है. ये विदाउन बेसिक है, ये तुम्हारा मोल बायो में है, ठीक है जी सर. तो उस तरीके से यहाँ पे क्या है वैसे ही हो रहा है, तुम्हारा इसका डबल स्ट्रैंड डीएनए है, आउटर जो डीएनए आउटर जो डीएनए स्ट्रैंड है वो मूव किया, तो यहाँ पे तुम्हारा लगेगा तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज, इसको फॉर्मेशन कर देगा ये, और जो सिंगल स्ट्रैंड निकल रहा है वो जाके तुम्हारा जो एफ आईना सेल के अंदर घुसेगा, और उसके अंदर भी वो एफ प्लाज्मिड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है. नाउ दोनों अभी एफ प्लस सेल हो गए, क्लियर. एफ प्लस टू एफ माइनस कंजुगेशन और तो दोनों एफ प्लस सेल हो गए, ठीक है. किसे कुछ डाउट है? No, किसको कुछ नहीं है, ठीक है. तो नेक्स्ट है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा वही सेम ही है, एफ प्लस एम माइनस कंजुगेशन है, एचएफआर कंजुगेशन. एचएफआर सेल क्या होता है किसको पता है? सर हाई फ्रीक्वेंसी कुछ होता है. हाँ तो वो क्यों, क्या है वो, कंफर्म पूछ रहा हूँ क्या है वो. जब तुम्हारा बैक्टीरियल जीनोम के साथ एफ प्लाज्मिड का फ्यूजन होगा, ठीक है, पार्ट ऑफ एक्स प्लाज्मिड, ठीक है, तब तुम्हारा वो एचएफआर सेल होगा. देखो अभी ये तुम्हारा एफ प्लस सेल है, ठीक है. तो एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेट इन द क्रोमोसोम बाय रिकॉम्बिनेशन. तुम्हारा ये जो एफ प्लाज्मिड है ये तुम्हारा क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो गया है. देखो इधर इंटीग्रेशन हुआ है, यस. ये तुम्हारा एचएफआर सेल फॉर्मेशन होगा. So, अभी जब HFR सेल F माइनस सेल के साथ उसका जब जीन ट्रांसफर होगा, ठीक है. ओके तो क्या है अभी इसके पास F प्लाज्मिड है तो वो HFR सेल के पास भी सेक्स प्लस है, यस. हाँ कि नहीं सर? HFR सेल बताइए सर. ये HFR सेल आराम से बताइए प्लीज. जो HFR सेल होता है वहां पे क्या होगा, तुम्हारा F प्लस प्लाज्मिड जो होता है वो जब क्रोमोसोम डीएनए में वो कंजुगेट हो जाता है रिकॉम्बिनेशन के साथ. ओके
ये तुम्हारा क्रोमोसोमल डीएनए, ये तुम्हारा एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड का पार्ट आएगा क्रोमोसोमल डीएनए में, वो कंजुगेट हो जाएगा, कैसे रिकॉम्बिनेशन। ओके, तब तुम्हारा अभी एचएफआर सेल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एचएफआर में जीनोम डीएनए और एफ प्लाज्मिड मिलके हैं एक ही जगह पे, तो अभी एचएफआर हुआ, एचएफआर सेल में एफ प्लाज्मिड है, तो उसके बाद सेक्स प्लस फॉर्मेशन हो सकता है। हाँ, तो अभी सेक्स प्लस फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो अभी जब एचएफआर सेल एंड एफ माइनस सेल में जीन ट्रांसफर होगा, ठीक है। ओके, तो क्या होगा, तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ, तो एचएफआर सेल ऐसे ही ये गया, तो जीनोमिक डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए है, उसका एक डीएनए स्ट्रैंड घुसेगा तुम्हारा एफ माइनस सेल के अंदर। ओके, तो एचएफआर सेल में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, जो जीन ट्रांसफर होता है वो ज्यादा बहुत टाइम लेता है। ओके, बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए, लेकिन क्या होता है, वो इतना टाइम तक तुम्हारा सेक्स प्लस फॉर्मेशन नहीं हो रहता है, ये बीच में टूट जाता है। ओके, तुम्हारा तो क्या होगा, तुम्हारा पूरा का पूरा जो जीनोम जीनोमिक डीएनए है वो एफ तुम्हारा एचएफआर से एफ माइनस पर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ओके, थोड़ा ही, हाँ थोड़ा पार्ट, कुछ पार्ट ही होगा, तो अभी कुछ पार्ट हुआ, मतलब एफ माइनस पे तुम्हारा कुछ पार्ट ऑफ एचएफआर डीएनए आया है, कुछ पार्ट ऑफ एफ प्लाज्मिड आया है, पूरा एफ प्लाज्मिड नहीं आया, तो वो स्टिल ही वो रिकॉम्बिनेंट एफ माइनस सेल होके रहेगा। ओके, तो सर कुछ पार्ट उसका आया है, तो उसकी वजह से वो एफ पॉजिटिव में नहीं कन्वर्ट होगा, पूरा कंप्लीटली नहीं है ना एफ प्लाज्मिड, जो एचएफआर सेल है, एचएफआर सेल में तुम्हारा जो एफ प्लाज्मिड रहता है इधर, ठीक है, एफ प्लाज्मिड में तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट रहता है बीच में, तो वो कट होगा तो इधर से जाएगा, हाँ इतना समझ गया, इतना दूर तक, तो क्या एफ प्लाज्मिड में कुछ पार्ट ही गया और कुछ पार्ट रह गया है अंदर, पूरा कंप्लीटली एफ प्लाज्मिड अंदर नहीं गया है एफ माइनस में, वो क्योंकि बहुत टाइम रहता है, लेकिन और सेक्स प्लस जो कॉन्टैक्ट रहता है वो ज्यादा टाइम नहीं रहता है, वो टूट जाता है, तो इसीलिए एचएफआर जब एफ माइनस, ओके, एचएफआर जीन तुम्हारा बड़ा होगा ना, तुम्हारा क्रोमोसोमल जीनोम है वो बहुत बड़ा है जी, तो सब कुछ ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए एचएफआर से एफ माइनस जब होगा तो जब एफ माइनस सेल ही रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम जो तुम्हारा ट्रांसफर में ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन को लेके वेक्टरल का जीन ऑर्डर निकालेंगे, यस यस सर। सो ट्रांसडक्शन में देखिए, जीन ट्रांसफर हुआ तुम्हारा वायरस टू बैक्टीरिया पे, तो वहां पे देखिए को ट्रांसडक्शन मेथड। ओके, तो जब वायरस से जीन आएगा तुम्हारा बैक्टीरिया पे, फिर वायरस से बाहर आ जाएंगे, तो क्या वो लोग बैक्टीरिया का कुछ जीनोम लेके ही आएंगे। ओके, और वायरल का जीनोम भी जब क्या आ जाएगा एक साथ, सपोज एक जीन, ये एक जीन है, सपोज तुम्हारा एक जीन है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम ए ए जीन है, बी जीन है, डीएनए है, ठीक है। ओके, ये तुम्हारा ए बी सी डी जीन है एक क्रोमोसोम पे, तुम्हारा डीएनए पे, ठीक है। ओके, तो को ट्रांसडक्शन मेथड में क्या चेक करेंगे, जब ए क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा तो एक साथ कौन सा तुम्हारा जो जीन है वो ट्रांसफर हो रहा है, सपोज ए बी सी डी साइज में है, तो अगर को ट्रांसडक्शन मेथड चेक करेंगे तो ए एंड बी ये दोनों एक साथ ट्रांसफर होंगे, क्योंकि बोलो पास पास होंगे, तो यहां पे चेक करेंगे हम जीन ऑर्डर, कौन सा जीन पास में है, कौन सा जीन दूर में है, ठीक है। ओके, कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारा जीनोम है ए बी सी डी सब ऐसा है, तो क्या ट्रांसफर होगा, तो ये दोनों एक साथ आएंगे पास में, जल्दी आएंगे, ठीक है। सो इफ टू जीन आर क्लोज टुगेदर ए बैक्टीरियोफेज में पैकेज ए सिंगल पीस ऑफ क्रोमोसोम दैट कैरीज बोथ जीन एंड ट्रांसफर दैट पीस टू अनदर बैक्टीरिया, तो क्या होगा, तुम्हारा ये यहाँ पे बैक्टीरिया है, पहले जो बैक्टीरियोफेज क्या क्या है इस पे ट्रांसफर किया है इसका जीनोम। ओके,
तुम्हारा बैक्टीरिया जीनोम के साथ बैक्टेरियोफेज का जीनोम क्या मर्ज हुआ, फिर से जो नया बैक्टीरियोफेज फॉर्मेशन हुए, तो फिर बैक्टीरियल जीनोम पार्ट पार्ट होके बैक्टीरियोफेज के अंदर आ गया है। यस, इस पिक्चर में क्या, पहले तुम्हारा बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट किया, बैक्टीरियोफेज का जीनोम अंदर गया, बैक्टीरियल जीनोम के साथ मर्ज हुआ, फिर बैक्टीरियल जीनोम का जीनोम और इसमें कट कट हो पार्ट होके सब सब जीनोम बैक्टीरियोफेज के अंदर आ गए, हाँ कि नहीं? यस। अभी अभी क्या, अभी बैक्टीरियोफेज के अंदर तुम्हारा बैक्टीरियल का कुछ जीनोम है, ओके? तो अभी अगर जो बैक्टीरियोफेज वहां से आए थे उनको तो फिर से इन्फेक्ट करेंगे और ये बैक्टीरिया पे, तो अभी ये जो बैक्टीरियोफेज उसका जो जीन ट्रांसफर करेगा इसमें क्या होगा, इसमें इसका उसका बैक्टीरियोफेज का जीनोम भी होगा और जो प्रीवियस बैक्टीरिया था उसका भी जीनोम होगा। तो अभी हम चेक कर सकते हैं कि जो जीन आ रहा है उस बैक्टीरियोफेज से इधर, तो उसके पास जो हम सपोज हमारा इंटरेस्ट है कि जीन ए बी ए दोनों पास में है या नहीं है, ए बी सी डी सब हम हमारा इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है, वो जीन हम टेस्ट करेंगे कि वो जीन आया है या नहीं आया है, अगर इन्फेक्ट हुआ है कितना फ्रीक्वेंसी में आया, मतलब कितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया में वो जीन आया है, तो वो हम टेस्ट करके बोल सकते हैं कि ये दोनों जीन पास में है या दूर में है, ओके? इसे मतलब को ट्रांसडक्शन, मतलब एक साथ, यस क्या हुआ, लिंक वाला जो हम लोग लिंक जीन वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। हाँ, लिंक जीन डिफरेंट है, लिंक जीन तुम्हारा क्रोमोसोम पे आएगा, तुम्हारा वो हायर एनिमल पे, इधर बैक्टीरियल पे वो अलग पार्ट, इधर बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर, ठीक है, अप्रोक्सिमेटली सेम है, ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया पे कितना सब बहुत सारा सेल पे ये पर्टिकुलर जीन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम लिंक जीन देखेंगे, लिंक जीन डिफरेंट है, एक एक बैक्टीरिया का जो हमारा सपोज एक जीन है स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस और एक प्यूरोमाइसिन रेजिस्टेंस सपोज, ओके, सपोज इस हमको चेक करना है कि ये स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन इन प्यूरोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन ये दोनों जीन पास में है या नहीं है, पास में है तो वो लोग को ट्रांसडक्शन एक साथ ट्रांसफर होके आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया जीन भी पीस पीस होके होगा कोरोना वायरस पे, यस। तो सर को ट्रांसडक्शन में हमें मेनली यही तो देखना है कि जो पास वाले जीन्स हैं वो ट्रांसफर होके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और जीन ऑर्डर क्या है, हाँ, कौन सा जीन एक साथ आ रहे हैं, कौन सा जीन एक साथ नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, हम बताऊंगा, तो क्या जो जो जीन फार जीन होगा वो लोग को ट्रांसडक्शन नहीं करेंगे, और जो जो जीन पास में होगा वो लोग को ट्रांसडक्शन होके वो अंदर आएंगे, क्लियर, ठीक है सर। सो लिंकेज डाटा फ्रॉम ट्रांसडक्शन, लिंकेज डाटा मतलब यहाँ पे देखेंगे वो दोनों जीन पास में है दूर में है, ये वो हम जो लिंकेज पढ़ते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, मतलब लिंक यहाँ पे लिंकेज होगा वो पास में है या दूर में, बस ये है, लेकिन यहाँ पे जीनोम एक ही डीएनए है, ओके, तो डीएनए ट्रांसडक्शन अलाउज अस टू ड्राइव लिंकेज इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैक्टीरियल जीन व्हेन मार्कर्स आर क्लोज एनफ that the phage can pick them up and transduce them in a single piece of DNA. Suppose tumhara bacteria ka gene hai, gene A and gene B pass pass mein hai. Jab ye kya is functional fragment ho jayega virus ke andar aane se pehle, haan ki nahi? Jab fragment ho jayega to yahan pe suppose gene A gene pass mein hai to wo ek fragment pe aa jayenge. Yes? सही पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, लिंक लिंक मतलब यहाँ पे दो दिन पास में है कि नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा, क्या सही वाला नहीं, ये लिंकेज डाटा फ्रॉम ट्रांसडक्शन ये कुछ नहीं मिल जा रहा, कुछ भी नहीं, लिंकेज डाटा मतलब यहाँ पे दो दिन पास में है या नहीं है वो देखने के लिए, मतलब दो दिन अगर को ट्रांसड्यूस हो रहे हैं तो वो लोग पास में है तो वो लोग लिंक है बोल सकते हैं, ओके, ट्रांसडक्शन के थ्रू जो लिंक होके जो जीन्स आ रहे होंगे उनके लिए मैं ये डाटा निकाल, लिंकेज का लिंकेज मतलब क्या, दो दिन पास में है लिंक जॉइंट हो गए हैं, है कि नहीं, मतलब डाटा, ओके, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर दो जीन एक साथ आ रहे हैं ट्रांसड्यूस हो रहे हैं तो वो दोनों जीन लिंक्ड हैं, ट्रांसडक्शन तुमको सबको पता है कि अच्छे से, यस सर, मैं सब तो माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट हो ना, तुमको ट्रांसडक्शन बताओ, ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेज कैसे ट्रांसडक्शन करता है, मैं तुमको सिंपल बोल दिया, उसका अंदर भी का प्रोसेस भी है,
पता है वो सब चीज जी सर। तो जब बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा बैक्टीरिया पे, उसका बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम है वो बैक्टीरिया जीनोम के साथ मर्ज हो जाएगा। जब लाइटरी साइकिल होगा क्या होगा, उसका जो हेड पार्ट सब पार्ट फॉर्मेशन होगा बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरियोफेज का, ओके। और तुम्हारा जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो क्या स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाएगा, पता है ना ये? यस सर। तो जो फ्रेगमेंट ब्रेक होगा वो फ्रेगमेंट पे तुम्हारा बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी होगा एंड बैक्टीरिया का डीएनए भी होगा, और ये बैक्टीरियोफेज ये जो डीएनए है वो बैक्टीरियोफेज के अंदर आ जाएगा। अब जब फ्रेगमेंट होगा दोनों दिन पास में है तो क्या वो लोग एक साथ फ्रेगमेंट पे आ जाएंगे ना, जब जीने भी पास में है तो एक फ्रेगमेंट अगर में दोनों दिन आ जाएंगे। यस। तब जब ए बैक्टीरिया जब जाके नेक्स्ट एक बैक्टीरियोफेज को जब इन्फेक्ट करेगा तो ए बी जीन को एक साथ छोड़े छोड़ेगा अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट बैक्टीरिया लेंगे वहां पे ए माइनस बी माइनस बैक्टीरिया लेंगे, तो अगर ए बी जीन एक साथ आ रहा है तो ई जी बैक्टीरिया फिर ए प्लस बी प्लस हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए जीन एंड बी जीन दोनों पास में है, ओके। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज यू वॉन्ट टू फाइंड द लिंकेज बिटवीन मेथियोनिन एंड आर्जिनिन इन इकोलाई, ओके। मेथियोनिन एंड आर्जिनिन वो पास में है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी सेट अप अ क्रॉस ऑफ मेथियोनिन आर्जिनिन प्लस स्ट्रेन विद अ मेथियोनिन आर्जिनिन नेगेटिव स्ट्रेन, ओके, क्लियर। तो अभी ये दो स्ट्रेन लेंगे, दो बैक्टीरिया स्ट्रेन जहां जो होगा मेथियोनिन आर्जिनिन के लिए पॉजिटिव होगा और ये बैक्टीरिया वो मेथियोनिन आर्जिनिन के नेगेटिव होगा, हम चेक करने के लिए। तो हम पहले क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया मेथियोनिन आर्जिनिन के लिए पॉजिटिव है उसको हम पहले बैक्टीरियोफेज के साथ इन्फेक्ट करेंगे, ओके। ग्रो फेज पी वन ऑन डोनर मेथियोनिन आर्जिनिन स्ट्रेन, पी वन को ये डोनर है इसको इन्फेक्ट करेंगे, इसको वो जो बैक्टीरियोफेज है इसको इन्फेक्ट करेंगे जिस बैक्टीरिया पे जहाँ पे मेथियोनिन एंड आर्जिनिन पॉजिटिव है। अभी मेथियोनिन एंड आर्जिनिन पॉजिटिव है तो बैक्टीरिया के अंदर अगर मेथियोनिन आर्जिनिन पास में होंगे तो जो पॉजिटिव बैक्टीरिया से वो बैक्टीरियोफेज पे आ जाएगा, ओके। तो अभी गो बैक्टीरियोफेज को पी वन फेज सेम है पी वन है उसको फिर से इन्फेक्ट करेंगे हम मेथियोनिन आर्जिनिन नेगेटिव स्ट्रेन पे, ओके। हाँ सर, होगा लिंक मतलब वो होंगे तो ट्रांसड्यूस होके वो उसमें आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम चेक करेंगे कि मेथियोनिन पॉजिटिव कॉलोनी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये तुम्हारा मेथियोनिन पॉजिटिव एंड आर्जिनिन पॉजिटिव सेल है, ये सेल है।